हेलो एवरीवन, आई एम शेफ रेखा पंडित फ्रॉम इंदौर। वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग। हमारे ब्राह्मणों में एक चूर्ण बनता है और वो हर घर में होता है। हर औरत उस चूर्ण को बनाना जानती है, पर आज की यंग जनरेशन को ना तो वो पता है और ना उन्हें बनाना आता है। तो बहुत डिमांड है इस बात की कि रेखा हमें वो बनाना बता दो। उसका नाम है बुकनू। वो बुकनू हमारे घर में हमने बचपन से खाया है, पराठों और रोटी के ऊपर लगा के। और ऐसे भी हम लोग इसको सुबह उठ के या रात को सोने के समय एक चम्मच बुकनू खा के सोते हैं, तो उससे पेट काफ़ी ठीक रहता है और गैस फॉर्म नहीं होती। तो आज मैं बना रही हूँ बुकनू और आपको बता रही हूँ कि उसे कैसे बनाना। बुकनू चूर्ण बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो देखें। हर डे इसे कहा जाता है, हरड़ या हरडे, और ये हमने ली है 100 ग्राम, 100 ग्राम हरडे, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम सादा नमक, हम लोग पिंक सॉल्ट खाते हैं तो वो लिया है, 100 ग्राम हल्दी, आप चाहें तो साबुत हल्दी भी ले सकते हैं पर वो मिक्सी में इसीलिए पिसती नहीं है, और काला नमक 100 ग्राम। उसके अलावा 10 ग्राम हींग चाहिएगी हमें, जो कि साबुत होनी चाहिए इस तरह से, और सरसों का तेल, आधी कटोरी सरसों का तेल। सबसे पहले हमने एक वोक गरम रखी है कढ़ाई, और उसमें डाल रही हूं मैं थोड़ा सरसों का तेल। और सरसों का तेल जब गरम हो जाएगा, अच्छी तरह से गरम हो जाए, फिर उसमें हम ये हरडे डाल कर तलेंगे। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अजवाइन, वो डालेंगे और हींग डालेंगे, और इन सबको तलने के बाद सारी चीज़ें एक साथ मिला के पीस लेंगे। इसमें हम हरडे डाल देंगे और इसको हम तल लेंगे, और जब हल्दी तला जाएंगी तो इसी में अजवाइन और हींग डाल देंगे। हल्दी यदि साबुत ली जाती है तो उसे भी तलते हैं, लेकिन साबुत हल्दी डालने के बाद इसे कूटना पड़ता है ना, मिक्सी नहीं उसे एडजस्ट करती है। इस तरह से ये खुलेंगे और तला जाएंगे। सरसों का तेल ज़्यादा ना डालें, वैसे थोड़ा ही डाला जाता है, और ये ठंड में गर्मी में ये चूर्ण हम कभी भी खा सकते हैं। हमारे घर में अक्सर ये चूर्ण एक बार बनता है और ख़त्म होने के पहले ही हम दूसरा बना लेते हैं। देखिए ये सारे फूल गए हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन, ताकि अजवाइन भी अच्छी फूल जाएगी, और इसी में डाल दूँगी मैं हींग, ताकि हींग भी अच्छी तरह फूल जाएगी, और फिर जब हम मिक्सी में इन्हें पीसेंगे तो ये बहुत अच्छे से पिस जाएंगे। ये फूल गए हैं और इसने तेल को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये हल्दी कच्ची ना रहे इसलिए मैं हल्दी को भी इसमें मिला रही हूँ, और इसी के साथ सौंठ भी मिला रही हूँ। ये ड्राई जिंजर पाउडर जो है ये मैंने घर में बनाया है, तो प्योर सौंठ है ये। तो अदरक को किसके सुखा के हम लोग बनाते हैं सर्दियों में, और वो रेसिपी मैंने इसमें डाली हुई है यूट्यूब में, तो आप लोग देख के सौंठ भी घर में बना सकते हैं। तो प्योर हल्दी भी हम लोग घर में ही पीसते हैं। इसको इस तरह से गर्म कर लेंगे ताकि हल्दी और सौंठ भी कच्ची ना रहे। इसके बाद इसे ठंडा करके मिक्सी में पीसेंगे एकदम बारीक, और छलनी से छानेंगे। ये ठंडा हो गया, अब मैं इसे मिक्सी के जार में पीस के बारीक करूंगी। ये इस तरह से पिसा है, और अब इसमें डालेंगे नमक, सादा नमक काला, और इसको एक बार हिला के चला देंगे, और फिर छलनी से छानेंगे। इसका कलर ब्राउन आ जाता है क्योंकि हल्दी भी कच्ची नहीं है,
और हरड़ भी। अब ये पिस गया है और इसको छन्नी में डाल के छानेंगे। छान के यदि हमें मोटा ऊपर से मिलता है तो उसे वापस पीस लेंगे। तो इस तरह से ये पाउडर तैयार होगा। इसमें किसी भी तरह का अमचूर या खटाई नहीं डालते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अलग ही चीज़ है जो खट्टी नहीं रहती है। ये बुकनू बन के तैयार हो गया। हमने इसे छाना, पीसा और फिर छाना, और छानने के बाद ये रेडी टू सर्व है। इसे लेके एक बर्नी में या किसी भी बर्तन में हम भर के रखेंगे। ये सालों चलता है, इसमें कोई खराबी नहीं आती और ये ख़राब नहीं होता। ये बुकनू देखिए बन के रेडी है, और हमको थोड़ा सा बुकनू, इतना सा बुकनू एक बार में खाना होता है। और ये बुकनू हम लोगों के घर में हमेशा रहता है। हमारी माँ की बताई हुई ये रेसिपी है जो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप भी इसे बनाकर रखिए और समय समय पर इसे खाएं। पराठे के साथ, नमकीन पूरी के साथ, सादी पूरी के साथ हम लोग इसे खाते हैं। और जब भी कभी पेट दुखे या गैस फॉर्म होती है, उस वक़्त यदि आधा चम्मच बुकनू सादे पानी के साथ लें तो तुरंत आराम मिलता है। आप भी बनाएं और मुझे बताएं वो कैसा बना।